ये एक फिल्म है जिसको इतना ज़्यादा आप बढ़ा देंगे, इसे इसकी हैसियत, इसे आगे खुशी है कि एक फिल्म बनी है और फिल्में बहुत मौजूद पे बनी हैं, उनका इम्पैक्ट भी बिल्कुल वक्ती होता है, बिल्कुल जुज वक्ती इम्पैक्ट होता है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि किसी फिल्म का सहारा लेके कम्युनल टेंज को हवा दे के, कम्युनलिज्म को हवा दे के कोई वक्ती फ़ायदा वो उठा सकते हैं, तो बिल्कुल गलत सोच है उनकी। नेशन के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं है। हमारी जो तारीख है रियासत जम्मू कश्मीर की, 3% कश्मीरी पंडित, इंतहाई स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी इस मुल्क में 650 साल इज्जत और वक़ार के साथ रही है। कभी उन पर दबाव नहीं बढ़ा कि वह मज़हब तब्दील करें, कभी उन पर दबाव नहीं बढ़ा इस मुल्क से चले जाए। एंड दोज वर द टाइम्स व्हेन देयर वाज नो डेमोक्रेसी, दोज वर द टाइम्स व्हेन देयर वाज नो प्रेस, देयर वाज नो ह्यूमैनिटेरियन कमीशन, नथिंग। हैड देयर बीन ए मिजाज जो होता है, अगर कश्मीरियों का मिजाज ये होता है, नहीं जी हमने सिर्फ मुसलमानों को यहाँ रहना होता है, तो 3.5% को निकालने में, उखाड़ने में या मज़हब तब्दील करने पर मजबूर करने में कितना टाइम लगता। सो जब 650 साल कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित मोहब्बत और रवादारी से जिंदा रहे हैं, तो इनके ऊपर लाछन लगाना, फिर ये समझना हमने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कश्मीरी मुसलमानों के बारे में या कश्मीरी पंडितों के बारे में, ये पॉसिबल नहीं होता है। हिस्ट्री हैज़ अ पावर, तारीख की एक ताकत होती है, तो दैट पावर वर्क्स, बादल छट जाते हैं और सच्चाई सामने आती है। आई गोन थ्रू यस्टरडे प्रेस बयान में आया था अखबार में, आई पर्सनली अप्रिशिएट, मैं इंतहाई समझता हूँ कि एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का जो एक फैसला है जिसमें अंत्योदय के अलावा जो हमारे PHS जमरे के राशन होल्डर्स हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी बच्चियों की मैरिज असिस्टेंस के लिए 50,000 रुपया मुश्कस किए गए हैं, आई अप्रिशिएट, मैं ज़ाती तौर पर इसको समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला है, गरीबों को फ़ायदा होगा। और इसके साथ मैं गवर्नर इंतज़ाम से ये अपील करूँगा कि हज़ारों हज़ारों फाइलें केसेस सोशल डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पड़ी हुई हैं, पिछले सालों से लटक रही हैं, इसी एक वजह की, इस ज़ुमरे की वजह से, कि इस ज़ुमरे में नहीं आते थे। अब जब इस ज़ुमरे की वजाहत कर दी गई है, इट हैज़ बीन क्लियर, आई अपील टू द गवर्नर, पर्टिकुलरली गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा साहब से, कि वह ज़ाती मदाखलत करके बैकलॉग जितना भी पेंडिंग है उसको क्लियर किया जाए और नए केसेस को फास्ट ट्रैक बुनियादों पे पैसा मुहैया कराया जाए, अदरवाइज ये हुक्म नवाब तादर नवाब रह जाता है। सरकार ने फैसला किया, गरीब तक नहीं पहुंचा, तो फ़ायदा कोई नहीं होता है। तो ये हुक्म नवाब बारदार गरीब भी पहुंच जाए, ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए, लोगों की शादियों में उनकी असिस्टेंस भी वक्त पे मिल जाए, ये इट विल बी अ ग्रेट असिस्टेंस, इट विल बी अ ग्रेट, इट विल प्रूव अ ग्रेट नेशन। देखिए, ये जानबूझकर हिस्ट्री को मरोड़कर तोड़कर लोगों के सामने लाया गया है, ये बिल्कुल इसके पीछे एक साजिश है। ये हमारा जो भाईचारा है इसको ये तोड़ने की कोशिश है, इस सदियों से ये भाईचारा चला आ रहा है। यहाँ कौन सफ़र नहीं था, हम इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेंगे कि अगर कोई बेगुनाह मरा है तो वो पूरी इंसानियत को कत्ल है। तो यहाँ न सिर्फ हमारे पंडित भाई मरे हैं, बल्कि यहाँ 1.5 लाख मुसलमान भी मरे हैं। यहाँ किलिंग्स भी इतनी ज़्यादा हुई कि इंसान अंदाज़ा बयान नहीं कर सकता है। हम जब देखते हैं कस्टोडियल किलिंग्स, उस पर कोई पिक्चर नहीं बनी। हमने यहाँ पथरेबल एनकाउंटर, फैक्ट एनकाउंटर देखा, उस पर कोई फिल्म नहीं बनी। यहाँ छट्टी सिंह पोरा सरदारों का वहाँ कत्लेआम हुआ, उस पर कोई फिल्म नहीं बनी। यहाँ हमारे जो गौ कदल में इतना बड़ा मैसेकर हुआ, उस पर कोई फिल्म नहीं बनी। यहाँ हमारी माँ बहनों के साथ आप देखिए कितना बड़ा रैप हुआ जब कुनन पोशपोरा में, तो वो भी हमारे सामने है, तो उस पर कोई पिक्चर नहीं बनी। यहाँ कौन किसके साथ ज्यादती नहीं हुई, यहाँ सब बेबस और लाचार लोग हैं। हम हमेशा जो है यूनिटी की हम बाई 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 बनकर यहाँ रहे हैं। जब हमने 47 में ये देखा कि पूरे इंडिया में जो है राइट्स चल रहे थे, यहाँ सब इंसानियत के दायरे में रह रहे थे, एक दूसरे को सम्मान करते हैं, और इस भाईचारे को तोड़ने की ये बहुत बड़ी साजिश है। ये बिल्कुल ये तोड़ मरोड़ कर हिस्ट्री को पेश करने की कोशिश की गई है, जो बिल्कुल गलत है।
यहाँ अगर वाकई इनको सारा सामने लाना चाहिए, फिर तो यहाँ 1.5 लाख मुसलमान भी मारे हैं, उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। यहाँ कितने फेक एनकाउंटर्स होते हैं, पथरीबल एनकाउंटर हुआ, यहाँ कितने कस्टोडियल किलिंग्स हुई, उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। यहाँ कितने अननोन जो है किलिंग्स होती है, अननोन अनआइडेंटिफाइड गनमैन किलिंग होती है, यहाँ कितने पुलिस ऑफिसर्स पुलिस की किलिंग हुई, उसमें कोई तादाद नहीं है। यहाँ तो पॉलिटिकल 10 से 14 हज़ार पॉलिटिकल वर्कर्स की किलिंग हुई, तो उस पर कोई फिल्म नहीं बनी। ये तो नाइंसाफ़ी है, इसके पीछे इनका एजेंडा है, ये सिर्फ पार्टी के लिए और आरएसएस जो है अपने एजेंडे को जो है पूरे मुल्क में जो है पोलराइज करना चाहते हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि ये मुल्क जो है, इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश है। इसे सारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी दानिश्वर हैं, उन सबको सामने आकर इस चीज़ को जो है अपोज करना चाहिए, और हमें फोकस करना चाहिए इकॉनमी पे, हमें फोकस करना चाहिए विकास पे। यहाँ लोग भूख से लोग मर रहे हैं, यहाँ आम देखिए आप रोज़मर्रा की अशिया कितनी जो है आसमान पे पहुँच गई है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, उस पे कोई फोकस नहीं हो रहा है। उस पे हुकूमतों का फोकस होता है, मगर यहाँ तो मुसलमान और हिंदू पे फोकस हो रहा है। पहले हुकूमतों में तो जब बात होती थी रोड्स की होती थी, हॉस्पिटल्स की होती थी, एजुकेशन की होती थी, एम्प्लॉयमेंट की होती थी, और आज बात होती है मुसलमान की, हिंदू की, सिख की, दलित की, क्रिश्चियन की, मस्जिद की, मंदिर की, गुरुद्वारे की। ये तो अलमिया है, ये तो इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश है। इसे इस साजिश को जो है बेनकाब करना चाहिए। अगर हमें इस मुल्क को आगे लेना है, इस मुल्क को बचाना है, हमें भाईचारा कायम रखना चाहिए। हम अधूरे हैं पंडित भाइयों के बगैर, यहाँ हम उनका वेलकम करते हैं। हम कश्मीरी पंडितों के बगैर जो है अधूरे हैं। हम मुकम्मल कश्मीर तब हो जाता है जब हम पंडित भाइयों को यहाँ दाएं बाएं देखते हैं। हम हमेशा उनकी वेलकम करते हैं, और हम हमेशा जो है इंसानियत का जो है, इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल अगर आप देखते हैं, वो कश्मीर में आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी।